Good morning, students. Yesterday we have discussed PPT of mathematics chapter Jugs and Mugs, and today we are going to discuss book exercise of this chapter Jugs and Mugs. So students, let's start. Come to page number 47. Make and enjoy lemon drink. You will need a half lemon, a pinch of salt, a spoon of sugar, and a glass of water. We need to make a lemon drink, half a lemon, a pinch of salt, and a spoon of sugar, and one glass water. Now, how to make it? Take a one glass of water and add one pinch of salt and take a one glass of water and snitch half lemon and add 1 teaspoon of sugar and 1 pinch of salt and mix it. When it is dissolved, completely dissolved in water, theek hai? And now a delicious lemon drink is prepared, and enjoy your lemon drink. Okay, guess and then find out. इस एक्टिविटी लेमन जूस के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. हाउ मैनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम हाफ ए लेमन? 10 या 12 ड्रॉप्स? 10 या 12 ड्रॉप्स? ये एक्टिविटी आप घर भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपके हाफ लेमन में कितनी ड्रॉप लेमन जूस निकलती है. ओके, नाउ हाउ मैनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम ए फुल लेमन? तो 22, 24. जब हाफ में 10 और 12 निकल रही हैं, 10 ही 11 या 12 तक निकल रही हैं, तो फुल में कितनी निकल सकती हैं? 20, 22, 24, 21, ठीक है? तो 22, 24 ड्रॉपलेट्स. ओके, ड्रॉप्स. नाउ हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस फिल 1 स्पून? ये एक्टिविटी आप घर करके देखेंगे कि एक स्पून में कितने लेमन जूस की ड्रॉप आ सकती है, कितनी ड्रॉप्स आ सकती हैं लेमन जूस की. ओके, ओके, एक एक्टिविटी है नीचे. इस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी थी, इसी के बेस पे ये क्वेश्चन थे, आप लोगों ने किए. इसके अंदर आई थिंक 10 ड्रॉप्स आंसर आएगा. ओके, ये आंसर सबके वेरी करेंगे, नो प्रॉब्लम. नाउ नेक्स्ट, फॉर मेकिंग 6 ग्लास ऑफ लेमन, नाउ पेज नंबर 48. Now making 6 glasses of lemon drink, how many lemons will you need? 1 glass. How many glasses पूछ रहा है वो, 6 glass के लिए कितने, how many lemons are used? Okay, yeah, are needed. How many lemons are needed to prepare 1 glass of lemon drink? 1 glass of lemon drink, half. And 6 glass के लिए कितना होगा? 1 glass के लिए half है, then we multiply 6. जब 1 glass का दिया हुआ है और find out 6 glasses, तो then we multiply. Given more, find less, we divide. And given more, less, find more, then we multiply. It's
unitary method. Okay, it's unitary method. You will learn about unitary method in higher classes. Okay, so one glass half lemon needed half lemon. So in how many lemon are needed for making 6 glasses of lemon drink? Okay, 6 we divide multiply by 6. Jab 6 ko 2 se 1 by 2 multiply 6, to numerator ko divide multiply karte hain aur denominator ko divide karte hain, to 6 by 2, aur jab 6 ko 2 से डिवाइड किया जाता है तो वी विल गेट 3 क्वेश्चन और दिस इज योर आवर आंसर. ओके, नाउ हाउ मेनी स्पून्स ऑफ सुगर विल यू टेक इट? जब 1 गिलास वाटर के लिए वी विल यूज 1 स्पून ऑफ सुगर, तो हाउ मेनी स्पून्स ऑफ सुगर वी विल नीड या वी विल टेक फॉर मेकिंग 6 गिलास ऑफ लेमन? हम जब 1 गिलास लेमन जूस बनाने के लिए एक सुगर स्पून लेते हैं, तो 6 ग्लासेस के लिए कितनी लेंगे? 6. ओके, नाउ लेमन ड्रिंक स्टॉल एट ए विलेज फेयर. ओके, देयर इज ए फेयर इन चित्राज विलेज. ओके, चित्रा, नजीम एंड अनीस वांट टू पुट अप ए स्टॉल टू मे सेल लेमन ड्रिंक. चित्रा, नजीम, ये चित्रा, ये नजीम और ये अनीस, ये तीनों जो हैं ये एक स्टॉल खोलना चाहते हैं. इनके गांव मिल विलेज में एक फेयर लगाया, उसमें एक स्टॉल लगाना चाहते हैं लेमन जूस की. ओके, लेमन ड्रिंक की. तो वो बनाते हैं एक बाल्टी बकेट, वो बनाते हैं, दे मेक ए बकेट फुल ऑफ ड्रिंक, लेमन ड्रिंक. ओके, एंड इस पे चित्रा कहती है वी विल सेल 1 स्मॉल ग्लास फॉर 5 रुपीज. ठीक है, एंड अनीस कहता है लेट्स सेल 1 बिग ग्लास फॉर 10 रुपीज. ओके, स्मॉल ग्लास 10 रुपीज एंड बिग ग्लास, स्मॉल ग्लास 5 रुपीज एंड बिग ग्लास 10 रुपीज. ओके, उन्होंने स्टॉल लगा लिया. अनीस गोट ए जग. ठीक है, डू यू थिंक इट इज इजियर टू पोर इनटू ए ग्लास फ्रॉम ए जग देन ए बकेट? यस, इट इज इजी. नजीम फाउंड दैट 2 ग्लासेज, बिग ग्लासेज फिल द 1 जग. 2 बड़े गिलास मिलकर एक जग को, जब एक जग में 2 गिलास पानी आता है. सबनम वांट टू बाई 1 जग. सबनम कस्टमर है, जो सबनम जो है उनकी कस्टमर है और उन्हें एक जग लेमन ड्रिंक चाहिए फुल. तो हाउ मच डज नीड टू पे, उसको कितने पे करना पड़ेगा? तो हमने क्या बताया, टू बिग ग्लास इज इक्वल टू 1 जग, 2 बड़े ग्लास जो है वो, देखो यहां पे समझाती हूँ, 2 बिग ग्लासेज इज इक्वल टू 1 जग, 2 ग्लास एक जग को फिल कर सकते हैं. तो एक बड़े ग्लास का, यानी कि जग में कितने ग्लास आएंगे? 2 ग्लास, और एक बड़े जग का ग्लास का रेट क्या है? 10 रुपए. हम पहले ही बता चुके हैं 10 रुपीज, कितना बता चुके हैं 10 रुपीज, यहां पे बताया था मैंने ये. ठीक है, 10 रुपीज. नाउ 1 बिग रेट ऑफ
rate of 1 big glass is equal to 10 rupees. A rate of 2 big glass, because 2 glass mein ek jug bhar jata hai. Glass is equal to, jab ek ka diya hai aur jyada ka find out karna hai to hame kya karna padega, multiply. To 10 multiply 2, 10 to ja 20 rupees. Okay, aise hame karna hai. To usko kitne rupees pay karne padenge, 20. अच्छा अगला है, चित्रा फाउंड दैट टू स्मॉल ग्लासेस फिल वन बिग ग्लास, हाउ मेनी ग्लास स्मॉल ग्लासेस ऑफ स्मॉल ड्रिंक विल फिल द वन जग. जब एक छोटे ग्लास में दो स्मॉल ग्लास मिलकर एक बिग ग्लास बनाते हैं, ठीक है, और दो बिग ग्लास बन के एक जग में आते हैं, तो दो स्मॉल ग्लास में एक बन रहा है, तो दो बिग ग्लास में कितने हो जाएंगे, स्मॉल ग्लास 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4 ग्लास, 4 स्मॉल ग्लास. ओके ठीक है, 4 स्मॉल ग्लास यानी कि उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, वही 4 ग्लास भरने पर 4 ग्लास में वो फिल हो जाएगा, ठीक है. हाउ मेनी 4 स्मॉल ग्लासेस विल फिल हाफ द जग, यानी कि हाफ, फुल 4 में भर रहा है तो हाफ कितने में भर जाएगा, 2 में, आधा कर दो उसका, 2 ग्लासेस. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.